वेलकम बैक टू जल गाइस। आज है 6 अप्रैल और इस वक्त मैं ऋषिकेश में हम जा रहे हैं आज नीलकंठ। चलिए करते हैं हम लोग को शुरू। तो अभी आ चुके हैं जी, नीलकंठ आ चुके हैं। लास्ट टाइम हमने बंद किया हुआ था पर अब पहुंच गए फिर भी। जानकारी 100 रुपए की भी है। इधर दिखाया जरा हरा चंदन का। ये है जी मार्केट नीलकंठ की। खाने पीने की दुकानें मिल जाएंगी, ड्रग्स की दुकान मिल जाएगी। तो ये जूते आपको उतारने पड़ेंगे दुकानों पे, जैसे प्रसाद देते हैं वहाँ पे आपको जूते उतारने पड़ेंगे। तो आगे जूते उतारने की जगह नहीं है। जैसी जगह बनी है यहाँ पे जूते उतारने और प्रसाद लेना। मंदिर के दादा ये है रास्ता मंदिर का। कितना रश है और आज ना पूरा तो वीकेंड नहीं है, आज थर्सडे है तो भी इतना रश है। जाम उन्होंने बाहर की जाम लगाया हुआ था, सब कुछ बंद किया हुआ था। उधर से देखो कितना रश है। चंदा तो मैं शूट नहीं करूँगा, सब मिलते हैं आपको सीधा बाहर जाते हैं। अभी मट्ठा टेक आया, आप देखते आगे कहाँ पे जाना। ये देखो ये कितना रश हो गया, पहले था रश पर इतना था, अब उससे भी हो गया रश, मतलब बड़ी जा रहा है। देखते वापस जा रहे हैं, अब देखते हैं आगे कहाँ पे जाना। पहुँच गए जी बीटल केव पे, पहुँच गए बीटल केव। अच्छा टिकट की है स्टूडेंट्स। बैग ये देखो, ये है बीटल केव ड्रग्स वाटिका। यहाँ पे ड्रग्स के जो फल है यहाँ पे लगते हैं, ऐसी बनी हुई है। राजा जी टाइगर रिजर्व। बस यहाँ पे ऐसे केव से बने हुए हैं ये है। और म्यूजिक चल रहा है, ये बने हुए हैं ऐसे घर बने हुए पुराने। ऐसे बस इधर ऐसे छोटे छोटे केव्स वगैरह बने हैं जहाँ पे रहते थे हमेशा पुराने लोग आदिवासी, और यहाँ पे बंदर वगैरह काफ़ी है। अच्छा बना हुआ है, शांति है एकदम,
कोई रोला नहीं, तुम शांति है, लाइट म्यूजिक चल रहा है, इधर गार्डन बना हुआ है, ये देखो आप ऐसे बैठ भी सकते हो, है ना। इधर जैसे पुराने समय में जैसे लोग रहते थे बस वही बने हुए हैं, पहाड़ों में घर, ये वैसे स्कूल वगैरह ऐसे होते होंगे पहले जो समय में, तो वही बना हुआ है। ये देखो आपको बता दूं यहाँ पर ड्रोन नहीं उड़ा सकते, ड्रोन इस पर प्रोहिबिटेड है यार, ड्रोन बिल्कुल नहीं उड़ा सकते यहाँ पे। ये देखो जो कलाकारी है ये पता नहीं कब की है, मेरे ख्याल से नई नई कलाकारी की गई है। पोस्ट ऑफिस, ये पहले पोस्ट ऑफिस था, देख सकते हो पोस्ट ऑफिस था ये। ये देखो कंस्ट्रक्टेड इन अर्ली 1960s, द बिल्डिंग वाज यूज्ड फॉर ऑफिशियल मेल्स बाय महर्षि जी एंड बाय गेस्टिंग फॉर रेजिडेंशियल कोर्सेस। ये पुराने समय का पोस्ट ऑफिस था। ये देखो वो, देखो कितनी अच्छी आर्ट है, नो स्मोकिंग, कैंटीन, ये देखो फोटो गैलरी बनी हुई है। पुराने समय की फोटोस, कैसे फॉरनर्स आते थे यहाँ पर मेडिटेशन करते थे, यहाँ मेडिटेशन किए जाते थे। ये देखो सारे फॉरनर्स की फोटो लगाई हुई है, सारे फॉरनर्स जो इंडिया में आए मेडिटेशन की, यहाँ पे सेटल हुए। ये देखो ये सारे फॉरनर्स हैं। ये पुराने समय ये जैसे पहले कैमरे होते थे ऐसे, पुराने समय के कैमरे। ये देखो ये महर्षि बीबीसी न्यूज़ टाइम। फाउंडेशन इन 2005 वन ऑफ द बेस्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ दिस इरा, डेफिनेशन फाउंडेशन फॉर कंस्ट्रक्शन बेस्ड एजुकेशन श्योर एवरी चाइल्ड एंड गेट द गोल वांटेड टू लर्न मेडिटेट गुड टू सो नाउ द फाउंडेशन इज साइंस ऑफ टीचिंग दैट मेडिटेशन टू दर्शन सेम कंट्रीज एवरी देयर। पहले लोग यहाँ पे आते थे मेडिटेशन के लिए, बताया हुआ कि अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय करें। ये फर्स्ट रूम था, सेकंड रूम था, अभी ये थर्ड रूम, जंगल, यहाँ पे बर्ड्स, एनिमल पिक्चर है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी।
ये देखो कितनी अच्छी फोटो खींची हुई है। फ्रंट कहीं पर बने फ्रंट से इधर से वो गैली वगैरह थी, अब जा रहे हम आगे पुराने समय के मंदिर। लेकिन अब यहाँ पे पूजा पाठ नहीं होते, पहले समय के शिवलिंग देखो कैसे थे, परफेक्ट जैसे अब वैसे नहीं थे, शेप अलग थी। वो मंदिर आया था ये पता नहीं कैसे किसी शाह ने क्या क्या लिखा हो, पैराडाइज सुपर इज आर यू प्रॉफिट यू हैव बिकम, पता नहीं क्या लिखा हो, समझ नहीं आ रही ये क्या लिखा हो। एम ए सेकेंड ईयर वी वर हेयर 2022 ठीक है बस ले। ये देखो ये किसका सही ना बता सकता हूँ। ये देखो शेक आर्ट बनी हुई यहाँ पे, पता नहीं किसने किया। आनी देखो शिखर नाम लिखे हुए अपने पते। कुछ भी बना हुआ है, मतलब इससे हो सकता है यहाँ पे भूत वगैरह भी हो सकते हैं। मैं तो कहता हूँ क्या में भूत वगैरह लिखे सही आ जाए। और चलो यार चलते हैं यहाँ से, चलते हैं। देखो यहाँ पे आग लगी है, देखो आग लगी है। मुझे तो भाई डर लग रहा है जाने का, मैं नहीं जाऊँगा, सॉरी मैं नहीं जा रहा भाई, थोड़ी हम चलते हैं बाहर। ये देखो ये यहाँ पे थी पुराने समय की प्रिंटिंग प्रेस, समझो पुराने 1960 के प्रिंटिंग प्रेस और अब की प्रिंटिंग प्रेस। देखो पढ़ो एक बार इसको, पुराने समय की प्रिंटिंग प्रेस थी बस इतनी, खत्म डैट सेट खत्म। और अब इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, इधर भी वैसे बना यहाँ पे पक्का भूत होंगे। मैं तो कहता हूँ भूत बात दिखे कैमरे में आए मजा आ जाए। इसके अंदर जाएंगे अब, हॉल नंबर 8 आई है, हॉल नंबर 8। यहाँ पे कैसे मेडिटेशन होती थी, यहाँ पे भी आर्ट बनी हुई है, काफ़ी अच्छी आर्ट हुई। वो देखो काफ़ी अच्छे लोग यहाँ पे फोटो खींचते हैं, देखो कितने अच्छी आर्ट है, काफ़ी अच्छा काम किया हुआ यहाँ पे भी। चलते हैं यहाँ से, बेसिकली जो है ना यहाँ पे बाहर से लोग आते थे और यहाँ पे मेडिटेशन करते थे। फोन बताते थे, मेडिटेशन करते थे। देखो इधर भी बना हुआ है सारा रास्ता, वो देखो एक किला टाइप बना हुआ, बिल्डिंग बनी है, देखते हैं क्या है, वहाँ पे भी जा रहे हैं। पर मतलब खाली पड़ा, वहाँ पर कुछ भी नहीं था, खाली घंटे पड़े हैं। देखो इधर भी खाली खंडर ही है, खंडर कोई खड़ा नहीं तो जाने का। तो मतलब ऐसे ही बस केव से बनी हुई है, ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ अब जाने लगे हैं, देखने की चीज़ है, अगर आप देख सकते हो।
एकदम पीस है, शांति है, बिल्डिंग सनसेट वापस बिल्डिंग का सेफर कितना करना बताया नहीं, कल को आते और गिर गुड़ जाते हो, मर मर जाता है कोई, फिर नमक का बताया नहीं, और खंडर ही खट रहा, चलो चलते हैं यहाँ से, क्या करना। तो यार अभी वहाँ से तो आ गए थे केव से, बेटल केव से लक्ष्मण झूला, वहाँ पे आप परछाई था लक्ष्मण झूला जाते हैं, फिर दिखाते हैं आपको वहाँ पे क्या सीन है, ऑटो में जाएंगे वही, यहाँ से 20-30 रुपये सवारी है, ऑटो में जाते हैं, अभी तो पैदल है, मार्केट देख लो चाहे सुपरा बार। ये आज रास्ता इधर जाता है लक्ष्मण झूला की तरफ, तो भी पहुंच चुके हैं लक्ष्मण झूले के पास, पहुंच चुके हैं लक्ष्मण झूला तो आ गया है, उसके पीछे ना से साइड व्यू जैसा बना हुआ है, बोटिंग वगैरह होती कहते हैं यहाँ पे, देखो बड़ा कुत्ता सैन बर्नार्ड, ये देखो व्यू चेक करो, यहाँ पे अभी आरती होने लगी है, मतलब पूरे हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश तक जहाँ पे भी गंगा है वहाँ पे आरती होती होती है, डेली आरती होती है, बोले 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 कैसे आनंद ले रहे हैं, उधर राफ्टिंग हो रही है और इधर भी बोटिंग, उधर बोटिंग हो रही है, उधर बोटिंग होती है, देखो पूरा ये मतलब फीचर्स है, ये देखो गाइस कितना अच्छा व्यू है, उधर राफ्टिंग हो रही है, वो देखो उधर लोग राफ्टिंग कर रहे हैं, और वहाँ से आ चुके हैं, लक्ष्मण झूला देखो बंद है, कहने वो रेनोवेशन चल गया, नया बन रहा है, आप देखो कुछ खाएंगे, देखते हैं क्या बनता है। तो ये रात के बज चुके हैं 11 और इस वक्त खाना खुना खा लिया, उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें, मिलते हैं हम आपको अगले व्लॉग में।